हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सबको स्वागत है इसाक मुंडा ईटिंग यूट्यूब चैनल में। आज हम बनाएंगे मशरूम पाउडर का तरकारी। आज दोस्तों वीडियो को थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा नया ट्रायल किया है हम सब ने, और आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। और सच में दोस्तों आज हम मशरूम का पाउडर का हम तरकारी बनाने वाले हैं, और ये भी दोस्तों चावल का पानी से हम बनाएंगे और आप सबको दिखाएंगे दोस्तों। और ये जो मशरूम है ना, ये बांस का मशरूम का पाउडर है, जो कि अभी तो मशरूम नहीं मिलने वाला है, वो खाली कुछ महीने तक ही आता है और ख़त्म हो जाता है, फिर साल भर इंतज़ार करना पड़ता है। इसीलिए इसका हम पाउडर बना लिया है। खाली हम नहीं दोस्तों, हमारे गांव के हर एक परिवार ऐसे पाउडर करके रखे हुए हैं और मास मास महीना महीना खाते हैं दोस्तों इसको। तो आज भी हम ये बनाने वाले हैं। यहाँ पे दोस्तों देखिए, चावल का पानी पहले से ही ला करके हमने रखा हुआ है, और यहाँ पे दोस्तों मिर्ची भी देंगे और टमाटर भी देंगे, और यहाँ पे लहसुन भी दोस्तों इसको थोड़ा कूटेंगे और देंगे। और अभी कढ़ाई गर्म होगा, और दोस्तों मेरा तबीयत जो मेरा पेट जो बहुत दर्द कर रहा था, अभी पूरा क्लियर हो गया है दोस्तों। और अभी भी सुबह सुबह मैं और एक बार पिया हूँ दोस्तों, यहाँ पे कूटा हुआ है, देखिए यहाँ पे नीचे दबाई, और आज भी सुबह सुबह मैं लिया दोस्तों, और पूरा मैं ठीक हो गया हूँ। और कल का वीडियो का कमेंट भी दोस्तों अभी मैं हाईलाइट करूँगा, लेकिन मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं दूंगा, लेकिन हाईलाइट करूँगा। और यहाँ पे हम वीडियो भी बनाएंगे, और यहाँ पे आप कमेंट भी देखेंगे कल का वीडियो में कौन कौन कमेंट किया है, आज भी किसने पहले कमेंट किया है उसका कमेंट को मैं पिक कर दूंगा, और आज भी जितना कमेंट आएगा कल का वीडियो में हम हाईलाइट करेंगे। दोस्तों चावल का पानी पहले दिया हमने, थोड़ा सा देंगे टमाटर को गलाने के लिए, और अभी टमाटर को देंगे दोस्तों। नमक दे दो, थोड़ा जल्दी गल जाएगा। दोस्तों अभी इसमें नमक दे दिया हमने ताकि टमाटर जल्दी गल जाएगा। और अभी लहसुन को देंगे दोस्तों, अभी दोस्तों टमाटर गल गया है, अभी चावल का पानी को देंगे। और ये चावल का पानी जो अभी हमने दिया, और ये अच्छी तरह से उबल आए तो यहाँ पे दोस्तों ये मशरूम का पाउडर को दे देंगे उसके ऊपर में। यहाँ पे दोस्तों देखिए, थोड़ा इस तरह हमने पाउडर किया है, इसमें बड़ा बड़ा पीस भी है, इसको सब हम खाते हैं। हाँ, इसका खुशबू बहुत अच्छा आ रहा है मशरूम का। और अभी दोस्तों पाउडर को देंगे, मशरूम का पाउडर। डालो, चलन मोर
और अभी 8:30 का टाइम हो रहा है और मोहिमा और मोनिका वो दोनों पूरा फटाफट से पूरा जल्दी तैयार होकर के निकल गए स्कूल के लिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ा प्रोग्राम है शायद, इसीलिए बुलाने के लिए आए थे और जल्दी वो रेडी होकर के चले गए मोहिमा और मोनिका। खाने के टाइम पे वो आपको नहीं दिखेगा, बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है स्कूल में, इसीलिए जल्दी तैयार होकर के गए। और मेरे को जहाँ जानकारी मिला वहाँ पे डांस का भी प्रोग्राम है और क्या क्या प्रोग्राम है, 2-3 प्रोग्राम है तो उसको अटेंड करेंगे, इसीलिए जल्दी चले गए। और पवित्र भी अभी खा करके वो भी स्कूल चला जाएगा। मोनिशा को इस हफ्ता भी नहीं भेजेंगे, दूसरा सप्ताह से उसको भेजेंगे स्कूल। तो तना खेलते चलो ना टाइम Aku. दोस्तों मेरा वाइफ लकड़ी लाने चला गया जंगल को, ऐसे 10-12 महिला मिल करके साथ मिल करके चले गए। और दोस्तों मेरा बहन ने कॉल किया था मुझे वहाँ से, उनके घर से, जो कि आप सब तो जानते हैं बहुत ही बड़ा खुशी खबर आया है मेरे बहन की वहाँ पे, और एक छोटी सी बच्ची हुई है। तो उस बच्ची का नाम क्या रखेंगे वो मुझे पूछ रहे थे, तो मैंने उनको पूछा तुम क्या सोचे हो, तो उन्होंने बोला कि भैया शुक्रवार में जन्म हुआ है तो सुखमुनि रखेंगे ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा मुझे बोले उन्होंने। तो देखिए दोस्तों हमारा करचल में, जो कि हमारा आदिवासी का करचल में, जो कि नाम रखने के लिए एक प्रोग्राम रखा जाता है, तो उस प्रोग्राम को उन्होंने नहीं रखा है। उसके बाद में पास्टर साहब आएंगे और पूछेंगे कि पहले आप उस बच्चे का नाम क्या चुने हैं, तो उन्होंने वो बोलेंगे, नहीं तो पास्टर को भी बोलते हैं कि आप ही रख लीजिए, तो वो किताब से कोई भी अच्छा सा नाम वो दे देते हैं, नहीं तो आप भी रख सकते हैं, मैं भी बोल सकता हूँ, मैं भी सजेस्ट कर सकता हूँ कि ये रखो, नहीं तो वो भी खुद चुन सकते हैं, तो ऐसा होता है। तो उसी के लिए ही मुझे फ़ोन किए थे, और मेरा बहन बोल रहा था कि भैया आप क्या नाम दें ऐसा आप बोलिए, नहीं तो हम तो सोच के रखे हैं कि सुखमुनि देंगे, शुक्रवार में वो जन्म लिया है इसीलिए ऐसा बोल रहे थे। लेकिन मैं भी ऐसे जल्दी तो मैं भी नहीं बोल सकता, ऐसे करके मेरी वाइफ के साथ भी मैंने उसको बात कराया। तो आप सबको तो एक बात बोलने के लिए मैं भूल गया हूँ दोस्तों, और वो बात ये है कि आप सबसे भी तो मुझे जानना है कि उस जो कि मेरा बहन का वहाँ पे तो बच्ची जो हुई है ना, उसका नाम क्या रखेंगे, आप भी तो बता सकते हैं। इतने सारे सब्सक्राइबर हैं मेरे, इतना सारा वीडियो को आप सब देखते हैं, तो आप भी तो बहुत अच्छा अच्छा नाम आपको पता होगा, याद होगा। देखिए दोस्तों इससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मैं बोलूँगा मेरा बहन जो मुझे फ़ोन किया था, मैं बोलूँगा ये नाम दे दो, मेरा बहन दे देगा ये नाम, और अगर मेरा जीजा को पसंद नहीं आया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए उन दोनों को अगर पसंद आ गया और मान लीजिए एक नाम दे दिया, सुखमुनि दे दिया, और बाकी लोगों को पसंद आए या ना आए उसमें कुछ मतलब नहीं है,
खाली माता पिता को पसंद आना चाहिए। तो इसीलिए दोस्तों मैं आप सबको भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कमेंट में पूरा भार दीजिए दोस्तों, जितना भी आपको नाम याद है। देखिए वहाँ पे बेटा तो नहीं हुआ है, बेटी हुआ है, लड़की हुई है, तो आपको जितना भी नाम आपको पता है दोस्तों, नया नया नाम आप कमेंट में लिख दीजिए और मैं मेरे बहन को मैं भेज दूँगा ये कमेंट को, और जो नाम उनको पसंद आएगा वो नाम वो दोनों दे देंगे वहाँ पर, और यादगार भी बना रहेगा। और बाद में भी मैं और एक वीडियो बनाऊँगा जो कि मेरा सब्सक्राइब लोगों ने सजेस्ट किया था ये नाम देने के लिए, और अभी बहुत अच्छा लग रहा है नाम भी उसके साथ में, तो ऐसा बोल के और एक वीडियो भी अच्छे से बनाएंगे। तो ज़रूर कमेंट में लिखिएगा दोस्तों, और वहाँ पे आपका वहाँ पे ठंड कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। चार दिन पहले तो बिल्कुल भी हम कंबल नहीं उड़ते थे दोस्तों, यहाँ पर पंखा चला करके हम सोते थे, लेकिन चार दिन के बाद जितना ठंडा बढ़ गया है, इतना ठंडा बढ़ गया है दोस्तों, दो तीन कंबल एक साथ उड़ने के लिए मजबूर हो जा रहे हैं, इतना ठंडा बढ़ रहा है। और अभी तो ये नवंबर महीना है, दिसंबर और जनवरी में तो बहुत ज़्यादा ठंड आएगा। आपका वहाँ पे मौसम कैसा है ज़रूर कमेंट में लिखिएगा दोस्तों।